वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस एपीसोड विच असी सुनांगे साखी गुरु अंगद देव जी अते हमायूं दा गुस्सा। बादशाह बाबर दी मौत होण पिछों उसदा वड्डा पुत्तर हमायूं बादशाह बनिया, पर शेर खान ने कनौज दे मुकाम उपर हमायूं नूं बड़ी भारी हार दे कर हिंदुस्तान दा राज हासिल कर लिया। हमायूं अपनी जान बचाउण लई आगरे तों लाहौर वल भज तुरिया। हमायूं नूं पंजाब पुज के ख्याल आया कि उसदे पिता बाबर नूं गुरु नानक ने कहा सी कि उस दीयां सत पुश्तां हिंदुस्तान उपर राज करनगियां। गुरु नानक दे कहे हुए बचन झूठे क्यों हो रहे हन जदों कि उसकी अजे दूजी ही पुश्त सी। इसका निर्णय करन लई उसने अपने वजीर नूं पुछया, अज कल गुरु नानक दी गद्दी उपर कौन है? उसने उत्तर दिता, गुरु अंगद देव जी हन। उन्हां दा डेरा दरिया ब्यास दे अगे खडूर पिंड दे नेड़े है। हमायूं वजीर नूं नाल लै के गुरु अंगद देव जी दे डेरे पुज गया। उस समय गुरु जी बच्चियां नूं पढ़ा रहे सन। हमायूं जाके खड़ा हो गया। गुरु जी अपने ध्यान विच लगे हुए बच्चियां नूं पढ़ाउंदे रहे। उन्हां हमायूं दे आउण वल कोई उचेचा ध्यान ना दिता। हमायूं नूं इह देख के बड़ा गुस्सा आया। उसने ये सोच के कि गुरु जी ने उसदे आउण दी कोई परवाह नहीं कीती, उसने गुरु जी नूं कतल करन दा मन बना लिया। अते जदों म्यान विच्चों तलवार कढ़न लग्या तां गुरु जी ने कहा, हमायूं ये तेरी तलवार उदों कित्थे सी जदों तू शेर खान पासों हार खा के भज्जिया सी, हुण तू फकीरां उपर तलवार चला के अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं। जदों तू उस पासों डर के भज रहा सी तां उदों शेर खान नूं तलवार क्यों ना दिखाई? गुरु जी पासों सच्चियां सच्चियां सुन के हमायूं बड़ा शर्मिंदा होया। उसने हाथ जोड़ के गुरु जी अगे बेनती कीती, मेरे पासों भुल हो गई, आप खुदा दा रूप हो ते मैनू माफ़ कर दिओ। मैं आप दे पासों पुछण आया कि गुरु नानक देव जी ने मेरे पिता नू सत पुश्तां दा राज दिता सी, पर ये बचन झूठा क्यों होण लगा है? गुरु जी ने कहा, जदों तक बादशाह इंसाफ करता है तदों तक उसका राजभाग बनया रहिंदा है। तेरे पासों कोई बेइंसाफी होई होवेगी जिस कारण तेरा राज चलिया गया। जे तू हुण तलवार ना उठाउंदा तां तैनू राज हुणे ही मिल जाणा सी, पर हुण तू वापस ईरान चलिया जा, जदों फिर तू आवेगा तां तैनू राज मिल जाएगा। 15 साल पिछों 22 जून 1555 ईस्वी नूं हमायूं फिर हिंदुस्तान का बादशाह बनिया। गुरु नानक देव जी ते गुरु अंगद देव जी दे बचन सच्चे होए। इस तों सिक्ख्या मिलदी है, अपनी ताकत का कदे हंकार नहीं करना चाहिदा अते इस ताकत नूं वरत के किसी नाल बेइंसाफी जां धक्का नहीं करना चाहिदा। ये कुछ करन नाल परमात्मा जल्दी ही ताकत तो वांझा भी कर दिंदा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।